पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में एवं डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवाल, अतिरिक्त पुलिस एवं धीरज बब्बर अन्य विभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ गांजा चरस अफीम के रोकथाम व धरपकड़ अभियान के तहत निरीक्षण कमलेश सिंहार थाना प्रभारी मनावर के कुशल निर्देशन में मनावर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि धार रोड सनमोड़ फाटा मनावर पर एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा थैलों में लेकर खड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर उप निरीक्षण प्रकाश अलावा के नेतृत्व में एक टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान धार रोड सनमोड़ फाटे मनावर पहुंचा गया और जहां पर पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल व बड़ी थैलियों को छोड़कर भागने का आरोपी द्वारा प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया और संदेही से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राहुल पिता कालू सिंह आचार्य निवासी लुनहेरा सड़क बताया है, जिसके बाद एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत आरोपी राहुल के कब्जे से 3 सफेद थैलों में कुल 46.16 किलोग्राम अवैध गांजा, कीमत जिनकी 4,50,000 रुपए बताई जा रही है, एवं अपराध में प्रयुक्त केटीएम मोटरसाइकिल कीमत 2,00,000 रुपए, कुल कीमत 6,50,000 रुपए का मशरूका भी जब्त कर आरोपी राहुल के विरुद्ध थाना मनावर पर एनडीपीएस एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त घटनाक्रम में आरोपियों के कब्जे से जब्त भारी मात्रा में अवैध सूखे गांजे के संबंध में पूछताछ कर खुलासा किया जाएगा। आशुतोष सेन की रिपोर्ट। ये सबसे पहले आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। पिछले दिनों हम लोगों ने जितने अवैध गतिविधियां होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। उसी क्रम में थाना प्रभारी कुक्षी की पूरी टीम ने अवैध शस्त्र बेचने वाले और खरीदने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करी है। थाना प्रभारी कुक्षी द्वारा दमोह के पथरिया जिला के रहने वाले सुदीप अहिरवार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से करीब 30 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 रिवॉल्वर, 3 पिस्टल और 25 कट्टे हैं, साथ में 30 जिंदा कारतूस है। ये सुदीप अहिरवार रहने वाला दमोह पथरिया का है और सिंघाना क्षेत्र के सिकलीगढ़ से इन्होंने डील करके खरीदा है। उसकी पहचान कर ली गई है, उसके विरुद्ध हमने इनाम भी घोषित कर दिया है, बहुत जल्दी उसको हम पकड़ लेंगे। सुदीप अहिरवार पिछले 2 बार पुनः आकर के यहाँ से शस्त्र लेकर के गया है। उसकी दमोह पुलिस से हम लोग संपर्क करके उसके पूरे वेयरअबाउट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तलाश रहे हैं और कहाँ ले जाके किसको बेचा था, इस संबंध में हमारी जांच चलेगी और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी अवैध शस्त्र बेचने वाले खरीदने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। मैं थाना प्रभारी कुक्षी उनकी पूरी टीम को बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, साथ में उनको 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित करता हूँ। मनावर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार के द्वारा इनपुट मिलने के बाद 2 लोगों से करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसमें 2 लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ एनडीपीएससी कार्रवाई की गई है। ये दोनों लोग ये गांजा कहां से लाए, खेती कहां करते थे, खुद की खेती करके उपजाया, कहां बेचे थे, इस संबंध में हमारी पूछताछ चल रही है। हम लोगों ने एक संदिग्ध को और पकड़ा भी है और निश्चित तौर पर थाना प्रभारी मनावर की यह उपलब्धि बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। थाना प्रभारी मनावर के साथ एसडीओपी मनावर ने भी बहुत मेहनत करके एनडीपीएस में एक अच्छी कार्रवाई करी है। इस प्रकार नशे के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ धार पुलिस की कार्रवाई है। हम थाना प्रभारी मनावर और एसडीओपी कुक्षी की प्रशंसा करते हैं, उन्हें भी 10,000 की इनाम घोषित करते हैं। पुलिस ने चोरी हाँ ब्रह्मा कुंडी स्कूल में पिछले दिनों एक स्कूल में चोरी हुई थी, जिसे लैपटॉप, चार्जर, कंप्यूटर, टेलीविज़न चोरी किया था। थाना प्रभारी नौगांव पिछले 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन करी है, ज्वाइन करने के अगले दिन ही वारदात हुआ था। बहुत ही गंभीरता से चुनौतीपूर्ण लेते हुए सरकारी संपत्ति को बरामद करने में उन्होंने सफलता हासिल करी है। उन्होंने 4 बदमाशों को, नकबजन को पकड़ा है और सबसे खुशी और सफलता की बात यह है कि पूरे नकबजनी में 100% माल बरामद हुआ है। जो जो माल गया था वो पूरा माल बरामद हुआ है। उनसे हम पूरा पूछताछ कर रहे हैं, उनकी भी हम कुंडली खंगाल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पिछला उन्होंने बर्दाश्त किया होगा उससे पूछताछ के उसको भी हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। मैं थाना प्रभारी नौगांव उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपया कैश घोषणा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये लोग और बहुत मेहनत से काम करेंगे और आपको एक अच्छी पुलिसिंग दे पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।